आज की क्लास में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, हिंदी में उसको द्विघात समीकरण बोलते हैं, यानी कि जिसकी पावर क्या हो घात, यानी पावर क्या हो दो। तो अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में हो जिसमें ए बी सी क्या हो कॉन्स्टेंट हो और एक्स क्या हो वेरिएबल हो, ठीक है, तो और जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर क्या हो दो हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर सपोज कीजिए मैं ये लिखता हूँ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर कितनी आ गई है थ्री आ गई है। लेकिन द्विघात समीकरण क्या होता है जिसकी पावर क्या हो मैक्सिमम टू, तो उसी को हम क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड अगर मैं इस फॉर्म में भी लिखता हूँ ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, तो यहाँ मैक्सिमम पावर एक्स की क्या है जीरो, तो ये भी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इस इक्वेशन को आप बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, यानी एक्स की पावर क्या हो वन और जब एक्स की मैक्सिमम पावर थ्री हो तो उसे हम बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। तो अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे फोकस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपकी मैं 10th क्लास का ये चैप्टर है, तो मैं एक्सरसाइज 4.1 के कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें चेक करना है कि कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस 6 हो जाएगा, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये इधर आया तो नेगेटिव का हो गया एंड ये इधर आया तो नेगेटिव माइनस 7। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, हालांकि आप देख रहे होंगे कि इसमें x नहीं है, तो x नहीं होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें क्या देखना होता है कि मैक्सिमम x की पावर कौन सी है। यहाँ ऐसा हो सकता है कि b की वैल्यू क्या हो जीरो हो, यानी इस इक्वेशन को हम इस तरीके से भी तो लिख सकते थे 0x माइनस 7 इक्वल टू जीरो, तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में आ गई। तो हम सिर्फ क्या देखते हैं मैक्सिमम पावर ऑब्टेन हो रही है कि नहीं। सेकेंड क्वेश्चन पे देख चलते हैं, तो सेकेंड क्वेश्चन पे देखिए क्या है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे माइनस सिक्स प्लस टू एक्स, इधर आएगा तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। ये देखिए मैक्सिमम पावर क्या है टू, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस ये भी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए यहाँ पे क्या है, पहले ब्रैकेट लगे हुए तो ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट देखिए क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू एंड इधर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा जीरो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको पूरा सॉल्व किया तो माइनस एक्स और इसको सॉल्व किया तो क्या है प्लस का टू एक्स, तो इधर क्या आ जाएगा माइनस थ्री एक्स एंड ये इधर आ गया तो क्या हो गया प्लस का वन इक्वल टू जीरो। अगर इसमें से ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, हमें क्या देखना होता है मैक्सिमम जो पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट पे देखते हैं, इसमें भी सिंपली हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, ये एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा एक एक्स स्क्वायर बचेगा, ये कितना हो गया माइनस फोर एक्स, ये इधर आया तो क्या हो गया माइनस नाइन एक्स एंड यहाँ हम देखेंगे तो ये माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो इसमें देखिए एक्स स्क्वायर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये तो बिल्कुल स्टैंडर्ड इक्वेशन जैसा ही है, तो ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं फिफ्थ पार्ट पे, तो फिफ्थ पार्ट पे देखिए क्या है टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस एक्स और ये क्या हो जाएगा प्लस का थ्री इक्वल टू में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस फाइव, ठीक है। तो उसको अगर हम और सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ये क्या हो गया सेवन एक्स और इधर क्या हो गया फोर एक्स माइनस तो इलेवन एक्स हो गया एंड इधर क्या होगा एट एक्स इक्वल टू जीरो। ये सिंपल मैंने सॉल्व किया है, सारी टर्म्स इस तरफ ला के सॉल्व किया तो हमने देखा ये भी स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
नेक्स्ट अब हम देखते हैं, तो नेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये तो नॉर्मल है, इसको कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर फोर एक्स माइनस फोर एक्स, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ क्या हो गया, सेवन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। यहाँ हम देखेंगे मैक्सिमम पावर वन है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन है बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। रेस्ट इज क्वेश्चन के जो दो पार्ट हैं आपको ट्राई कीजिएगा, अगर आपसे नहीं हुआ तो फिर मैं उसको कराऊंगा। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ अ प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि जो एरिया है रेक्टेंगुलर प्लॉट का वो 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, एंड जो उसका लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसके सॉल्यूशन करने के लिए हमने क्या किया है, लेट कर लिया है, लेट दी ब्रेथ ऑफ दी रेक्टेंगल, ठीक है, ब्रेथ क्या है रेक्टेंगल का एक्स। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सो द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, ब्रेथ के ट्वाइस यानी 2x से एक ज्यादा, तो ये हमारा क्या हो गया, लेंथ हो गया। अब हमें क्या क्या गुजार रहा है, लेंथ और ब्रेथ मिला, ठीक है। तो अब हम जानते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, इसको हमने एल से डिनोट किया है और इसको किससे डिनोट किया, ब्रेथ, तो 528 है। तो लेंथ हमें x दे रखा है और ये क्या दे रखा है, 2x plus 1 equal to 528। अब हम इसको पूरा और सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 2x square plus x और ये इधर आएगा तो क्या जाएगा, माइनस का 528 equal to 0। देखिए दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने के बाद अब हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो x का सॉल्व करने के लिए हमारे पास काफी मेथड है, ठीक है, मिडटर्म स्प्लिटिंग मेथड है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी है। तो मैं यहाँ से मिडटर्म स्प्लिटिंग से आपको करा रहा हूँ। देखिए मिडटर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, हम पहले क्या करते हैं, इसको अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन, देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो देखेंगे ए की वैल्यू क्या होगी, 2, बी की वैल्यू क्या होगी, 1 और सी की वैल्यू क्या होगी, -528, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हम एलसीएम लेते हैं। तो देखिए मल्टीप्लीकेशन करके ये कुछ ऐसा आया होगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिया, एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो 528 आ जाएगा, फिर दोबारा से एलसीएम लेंगे तो 264 आ जाएगा, फिर हमने दोबारा से एलसीएम लिया तो 132 आ जाएगा, फिर एलसीएम 66 आ जाएगा, फिर हमने दोबारा से एलसीएम लिया तो 33 आ जाएगा, फिर 3 और फिर 11। अब ध्यान दीजिए ये जो इसके फैक्टर्स आए हैं, इस फैक्टर को इस तरीके से स्प्लिट किया जाता है कि प्लस माइनस करने पे क्या है, 1 है, ठीक है। तो देखिए इसके मैं फैक्टर निकाल रहा हूँ, 2 × 2 = 4, 4 × 8 = 32, हम देख सकते हैं ये देखिए 33, 33 में से अगर 32 को माइनस किया जाए तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम देखिए कैसे लिखेंगे, 2x² + 33x - 32x - 528 = 0, ठीक है। यहां मैंने क्या किया है वो मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूं, इसमें क्या करते हैं, a और c का मल्टीपल लेते हैं और इसको इस तरीके से तोड़ते हैं कि मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये दोनों का मल्टीपल आए बट प्लस माइनस करने के बाद क्या जाए, ये खुद ही आ जाए, ठीक है। तो हालांकि हम लिख सकते हैं ना, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें से x को कॉमन लिया, अगर x को कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 2x + 33 और यहाँ से हमने क्या किया, 32 कॉमन लिया। अगर 32 को कॉमन लेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या आएगा, 32 कॉमन लेने से यहाँ पे आ जाएगा आपका, 32 कॉमन लिया आपने, सॉरी यहाँ पे आप 32 कॉमन ले ही नहीं सकते,
आप कॉमन कितना ले सकते हैं, 16 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या होगा 2x, और ये इसमें से जब 16 कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा 33। ध्यान दीजिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया, इसी वजह से इसको क्या लिखा प्लस। अब आपका कॉमन इस तरीके से होना चाहिए कि ये दोनों जो ब्रैकेट का पार्ट है वो क्या हो जाए, सेम आना चाहिए। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे x माइनस 16 इसको ऐसे लिख सकते हैं, और जो सेम वाला पार्ट है उसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि ये कॉमन लिया है, अगर ये वाला पार्ट कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ क्या जाएगा x, और यहाँ से क्या जाएगा 16। अब इन दोनों में से कोई एक जीरो होगा तभी तो जीरो आया, क्योंकि कोई भी पार्ट जीरो तभी आता जब वो किससे मल्टीप्लाई हो, जीरो। तो यहाँ हमारे दो वैल्यू निकलती है, देखिए x माइनस 16 या तो जीरो होना चाहिए या फिर 2x प्लस 33 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी 16, और यहाँ देखेंगे तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 33 अपॉन। ध्यान दीजिए क्या लिख दिया था, रेक्टेंगल लिख दिया था, ब्रेथ लिख दिया था ना, अब ब्रेथ कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती रेक्टेंगल की, उसको हमें क्या करना पड़ेगा नेगलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारा सही आंसर क्या है 16। अगर ब्रेथ 16 सेंटीमीटर है, ध्यान दीजिए सॉरी मीटर स्क्वायर है ना यूनिट, तो ये भी क्या आएगा मीटर में आएगा, तो लेंथ कितना होगा इसका ट्वाइस, इसका दुगना कीजिए और प्लस वन, तो दुगना करेंगे तो कितना आ जाएगा 32, 32 में एक प्लस क्या तो 33 मीटर, तो ये हमारा लेंथ और ब्रेथ आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन को, तो आपने ये नोट कर लिया होगा, तो सेकंड क्वेश्चन चलते हैं सेकंड के सेकंड पार्ट को। तो देखिए सेकंड पार्ट क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। देखिए इंटीजर क्या होते हैं, हमारे कोई भी नंबर्स जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हमारे क्या होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। अगर मैं बोलता हूँ 1 तो ये पॉजिटिव इंटीजर है, बट अगर मैं बोलता हूँ -1 तो ये नेगेटिव इंटीजर है, सारे इंटीजर का ही पार्ट है। अगर मैं बोलूं 1.5 तो वो इंटीजर नहीं है, इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए, डेसिमल में कोई भी पार्ट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं इंटीजर। तो अब हम इंटीजर को देखते हैं, तो हमें क्या किया है, सबसे पहले वो इंटीजर चाहिए, तो इंटीजर को हमने लेट कर दिया, लेट द टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स आर एक्स एंड एक्स प्लस वन। ध्यान दीजिए कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, अगर एक को x माना है तो दूसरा देखिए डेसिमल पार्ट तो आ नहीं सकता, तो प्लस वन ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने प्लस वन किया है, लेकिन अगर यहां बोलता कि टू ओड कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स तो मुझे क्या करना पड़ता, अगर सपोज कीजिए x मेरा ओड है तो उसको दो प्लस करना पड़ता। ठीक है, दो प्लस करेंगे तभी नया ओड आएगा। तो अगर यहां को बोला होता टू ओड कॉन्सिक्यूटिव नंबर तो मैं लाइक करता x और x प्लस टू, बट यहाँ पे ऑड नहीं बोल रखा सारे इंटीजर्स। ठीक है, तो एक ओड होगा और दूसरा क्या होगा इवन होगा। ठीक है, अब उसने क्या कहा उन दोनों का प्रोडक्ट, क्वेश्चन क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी x को x प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वो क्या आएगा 306। तो देखिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 306 इक्वल टू जीरो। तो अभी मैंने आपको बताया था मिड टर्म स्प्लिटिंग का तरीका, तो मिड टर्म स्प्लिटिंग यहाँ मैं वही यूज कर रहा हूँ। देखिए यहाँ ए क्या है 1, सी क्या है माइनस 306 एंड बी क्या है 1, तो यानी हम यहाँ पे एलसीएम किसका लेंगे 306 का। तो 306 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये देखिए क्या आ जाएगा 153, और ये क्या होगा 3 पे जाएगा तो 551 आ गया, इसका एलसीएम आप अगर दोबारा से देखेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर क्या होगा 17 1। ठीक है, हमें क्या चाहिए 1 ला दे, तो ध्यान दीजिए 6 3 6 6 3 18, ध्यान दीजिए ये 18 हो गया और इधर से क्या आ गया सिर्फ ये लिया 17, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इधर लिख सकते हैं 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या आ जाएगा x कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 18 माइनस 17 एंड यहाँ हम देखेंगे ये x हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा प्लस का 18 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम कॉमन लेके हम लिख सकते हैं x प्लस 18 x माइनस
17 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए लास्ट वीडियो में मैंने x माइनस 17 ये वाले पार्ट को बाहर लिखा था और इसको इधर लिखा था, तो ये आपकी मर्जी है। मल्टीपल है, a को b से मल्टीप्लाई कीजिए या b को a से मल्टीप्लाई कीजिए, सेम वैल्यू होती है। तो अब इन दोनों में से कोई एक जीरो होगा तो वही हम करेंगे। x प्लस 18 को हम क्या करेंगे, जीरो के ऊपर रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 18। ठीक है, देखो हमने क्या बोला है, पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है, ध्यान से देखिए पॉजिटिव इंटीजर। तो क्या माइनस 18 पॉजिटिव है, नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम दूसरे वाले पार्ट को देखेंगे, x माइनस 17 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17, तो ये पॉजिटिव इंटीजर है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 17। बट यहाँ हमें नहीं छोड़ना, हमें पूरा लिखना होता है। हम लिखेंगे देयरफॉर द टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर 17 एंड 18। ये आंसर आपको अच्छे से लिखना है, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन से होंगे, 17 और 18। 4.1 के ही ये तो क्वेश्चन सेकंड के जो दो सेकंड दो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आता है, तो ये दोनों भी मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। तो इसमें देखिए थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन ही। ठीक है, कहना क्या चाहता है कि अगर रोहन की एज एक्स होगी तो उसकी मदर की कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 26। तो हमसे पूछा भी जा रहा है कि हमें क्या करना है, रोहन्स की प्रेजेंट एज पूछी जा रही है, तो हम लेट करेंगे, लेट द रोहन्स प्रेजेंट एज इक्वल टू एक्स। ठीक है, सो रोहन्स रोहन मदर प्रेजेंट एज क्या होगी, x प्लस 26। अब वो क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, यानी प्रेजेंट एज से, यानी आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स रोहन एज क्या होगी, x प्लस 3, 3 साल बाद उसकी एज क्या होगी, 3 बढ़ेगी, एंड रोहन मदर एज x प्लस 26 थी तो उसमें क्या हो जाएगा, 3 साल बढ़ जाएगा, 3 साल बढ़ के कितना हो जाएगा, x प्लस 29। ठीक है, अब ये कह रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट 360 के इक्वल है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ दिस x प्लस 3 x प्लस 29 इक्वल टू 360। ठीक है, तो अगर हम इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस, हम 29 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखेंगे क्या आ जाएगा, 287 इक्वल टू 360। तो इसको अगर हम और सॉल्व करेंगे तो देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस में क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हम माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करके देखेंगे, देखिए कितना आ गया, 15, 7 एंड नंबर क्या आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया, अब इसको हम मिड टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करें। यहाँ देखिए ए का कोफिशिएंट ए क्या है यहाँ पे 1 और सी क्या है 273, तो हम 273 को ही ब्रेक करेंगे, तो 273 का मैंने क्या क्या है यहाँ पे फैक्टर एलसीएम दे रहा हूँ। ठीक है, आप फैक्टर दिमाग में भी सोच सकते हैं, आपका लर्निंग स्टार्टिंग फेज है, इस वजह से मैं पूरा एलसीएम करके दिखा रहा हूँ, अदरवाइज आप खुद भी सोच सकते हैं कि कैसे ब्रेक होगा। अगर इसका फैक्टर आप अपने दिमाग में ही बना सकते हैं तो दिमाग से ही कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, 3 का एलसीएम होगा तो ये 91, फिर ये 7 से होगा तो कितना हो जाएगा 30। ठीक है, और यहाँ क्या आएगा 31। ठीक है, तो अगर हम देखें तो सात्विक 21 और 13, 21 है और ये 30 है, इन दोनों को अगर हम ऐड करें, ठीक है, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा हमारा 32 तो नहीं आ रहा, ध्यान दीजिए यहाँ पे फैक्टर हम क्या ले रहे हैं, 13 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए 39 आ जाएगा, अगर उसमें से 7 माइनस हो जाए तो 32 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम फैक्टर क्या ले रहे हैं, 39x
ठीक है, माइनस में 7x माइनस 273 इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप इसमें देखिए क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, यहाँ x प्लस 39 हो जाएगा, यहाँ 7 कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा x प्लस 39 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दो फैक्टर बन जाएंगे x माइनस 7 और x प्लस 39। अब इन दोनों में से कोई एक 0 होगा तो देखिए क्या होगा, x माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 39 इक्वल टू 0। तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 और यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 39। देखिए एज तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, एज तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये आंसर पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रोहन की प्रेजेंट एज क्या होगी 7। तो हम आंसर फाइनली लिखेंगे, सो द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज 7 एंड द रोहन मदर्स एज इज, हम क्या करेंगे इसमें 26 प्लस कर देंगे, तो जो भी आएगा वो हम लिख देंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको फोर्थ पार्ट सॉल्व करा रहा हूँ, तो देखिए फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, ट्रेन ट्रेवल्स ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। देखिए हमें क्या गिवन है कि जो स्पीड का डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस गिवन है 480 किलोमीटर, ठीक है। अब यूनिफॉर्म स्पीड से बट स्पीड नहीं गिवन है, तो हमने क्या कर दिया है, लेट द स्पीड बी एक्स, ठीक है। स्पीड हमें एक्स माना है, सो हम स्पीड का फॉर्मूला जानते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो हमने क्या किया, टाइम को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो टाइम क्या होगा, सो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस यानी 480 अपॉन में स्पीड। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर आर लेस, यानी कि एक्स से क्या हो जाएगा 8 कम हो जाएगा, नाउ द न्यू स्पीड एक्स माइनस 8, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, यहाँ भी आप यूनिट लिख सकते हैं किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो टाइम वुड बी 3 आवर्स मोर, ठीक है। टाइम क्या हुआ है 3, मतलब डिस्टेंस तो वही ट्रैवल करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए टाइम क्या होगा, यहाँ पे हम टाइम लिख सकते हैं डिस्टेंस यानी 480 अपॉन स्पीड एक्स माइनस 8, ये टाइम लगा यहाँ पे नए वाली कंडीशन में, न्यू टाइम। अब देखिए ये क्या कह रहा है, टाइम क्या लग रहा है, 3 घंटे ज्यादा लग रहा है, यानी इन दोनों के टाइम का डिफरेंस क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए, तो इन दोनों के टाइम का डिफरेंस 3 आएगा, तो देखिए ये जो टाइम था उससे 3 घंटा इसमें ज्यादा लग रहा है, यानी इसमें अगर 3 हम प्लस कर दें, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो 480 टाइम है उस वो क्या है, इस टाइम से क्या है 3 घंटा ज्यादा है, ठीक है। तो इसको अगर हम उस साइड सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो 3 घंटे ज्यादा है तो हम 3 इधर प्लस करें, ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ज्यादा बड़ा, तो इसको आपने क्या किया 3 इक्वल टू 480 अपॉन में x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन में 8। अगर हम एलसीएम लेंगे तो 480 बाहर ले कॉमन लिया, सॉरी तो बाहर ले गया, ये क्या हो गया 1 x - 8, यहाँ क्या बचा 1 - 8, ये 3, ठीक है। तो अब हमने क्या किया है, यहाँ पे एलसीएम लिया, ठीक है, तो 480 से हम चाहे तो काट भी सकते हैं, यहाँ 3 अपॉन में 480 है, और यहाँ हमने एलसीएम किया तो क्या हो गया 8x - 8, तो इसको क्या हो जाएगा 8 - x, ठीक है, एंड 480 / x, सॉरी ये 480 / x, 480 / x, ये x है, तो ये क्या हो गया x, तो हम यहाँ लिखेंगे x माइनस x प्लस 8, ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको काट रहे हैं, तो ये 3 - 3, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 - 6 - 0। अब इसको हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू में क्या हो जाएंगे, तो कैंसिल हो जाएगा 8 × 160, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा
माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, कोई बड़ी इशू नहीं है। दिस इज द इक्वेशन। हालांकि सारे पार्टों में सिर्फ हमसे क्या पूछा था, इक्वेशन फॉर्म करने के लिए पूछा, ठीक है, लेकिन मैंने आपको सॉल्यूशन भी बता दिया कि सॉल्यूशन एक्स की वैल्यू कैसे आए सारे में, तो इसमें भी मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, या आप इसके सॉल्यूशन को घर पे खुद ही ट्राई कर सकते हैं। आपको क्या करना है, मिड टर्म स्प्लिटिंग करना है। मिड टर्म स्प्लिटिंग कैसे होगा, इन दोनों के कोएफिशिएंट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और उसका एलसीएम लेके प्लस माइनस करने से क्या आना चाहिए, मिड वाली टर्म आनी चाहिए। ठीक है, तो ये रहा आज का सेशन, हम यहीं पे